आज मैं आपके साथ में टाकोज बनाने की बहुत ही सिंपल और आसान तरीका लेकर आई हूँ। और इस रेसिपी में बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो शुरुआत करते हैं डो लगाने से। तो एक बड़े से बाउल में आधा कप मैदा लेंगे और इसी के साथ में आधा कप लेंगे हम गेहूं का आटा। तो आप चाहे तो पूरा मैदे से भी बना सकते हैं, या फिर हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच भरकर हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो ऑयल डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो लगाकर रेडी करेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। तो सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है जैसे कि हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। तो थोड़ी देर के लिए इसको हम मसल लेंगे। अब इस आटे को हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब एक पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है, एक प्याज को पतले स्लाइस में मैंने काट कर डाल दिया है। इसमें लंबाई में स्लाइस को काटा है मैंने प्याज की, और प्याज को मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए ब्राउन कर लेंगे। तो इसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है। और जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ब्राउन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को हम ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को ग्रेट इसलिए करना है ताकि इसमें कोई भी मोटा चक्स ना रहे। तो दोनों आलू को ही हम ग्रेट कर लेंगे। अब ग्रेटेड आलू में हमने जो फ्राई किया हुआ प्याज था हमारा, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो जो मसाले में डालूंगी आप अपने हिसाब से मसालों की क्वांटिटी रख सकते हैं। 1/4 चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, और चटपटे टेस्ट के लिए डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला। तो चाट मसाले की जगह पर आप नींबू का रस डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और उसके बाद डालेंगे हरा धनिया। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की हेल्प से आप बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर जो हमारी स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब अपने आटे को भी 1 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मसल कर हम स्मूथ कर लेंगे। अब हम आटे की छोटी छोटी लोई को जो है छोटी छोटी लोई के पोर्शन में तोड़ लेंगे। तो एक बार में सभी लोई को हम इस तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर सभी लोई तैयार है। तो चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और लोई को बेल लेंगे। तो लोई को हमें पतला ही बेलना है, मतलब पतली ही रोटी बनानी है, इसीलिए मैंने छोटी छोटी लोई बनाई थी। इस तरीके से पतली रोटी आपको रखनी है। सभी लोई को पहले हम तैयार कर लेंगे इस तरीके से, एक एक लोई को बेलते हुए पहले तैयार कर ले। अब इधर तवे को मैंने अच्छा गरम कर लिया है। जैसे ही तवा गरम हो जाए इस पर हम रोटी डाल देंगे। तो तवे को हल्का गरम ना आप रखें, नहीं तो रोटी जो है आपकी कड़क हो जाएगी। हमें रोटी को सॉफ्ट रखना है। तो जैसे ही एक तरफ से सिक जाए, हल्की सी सिक जाए, बस इसको पलट देंगे और दोनों तरफ से पलटते हुए हल्का हल्का इनको हम सेक लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें बाद में भी सेकना है। और बस सभी रोटियों को हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है सेक कर। अब हम रोटी के ऊपर केचप लगाएंगे, टोमेटो केचप, और इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। टोमेटो केचप की जगह पर आप पिज्जा सॉस या फिर सेजवान भी डाल सकते हैं, या फिर मेयोनीज भी आप इस पर स्प्रेड कर सकते हैं।
अब रोटी की एक साइड पर जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसको हम फैला देंगे और स्टफिंग के ऊपर हम डालेंगे मोजरेला चीज़। इसकी जगह पर आप प्रोसेस चीज़ भी डाल सकते हैं, चीज़ की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं आप। अब चीज़ डालकर रोटी को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और हल्का सा इसको प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो ये हमारा एक टाकोस बनकर रेडी हो चुका है और इसी तरीके से हम दूसरा टाकोस भी तैयार कर लेंगे। तो आपको बाकी के टाकोस भी इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं, पहले आप सभी को तैयार कर लीजिए। तो बस इसी तरीके से हम स्टफिंग के बाद चीज़ डालेंगे और इसको हम फोल्ड कर देंगे, अच्छे से चिपका लेंगे इसको भी। तो बस ये तैयार हो चुके हैं और अब मैंने वही पैन लिया है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। इसमें हम एक छोटा चम्मच बटर डाल देंगे, बटर की जगह पर आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर डालने से टाकोस जो है वो काफ़ी टेस्टी बनेंगे और क्रिस्पी भी। तो इनको हम जैसे बटर मेल्ट हो जाता है इनको हम लो फ्लेम पर टाकोज को सेक लेंगे और एक साइड से जब सिक जाए दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपको सेक लेने हैं। और दोनों साइड से सेकने के बाद में इस तरह से टाकोज को खड़ा करके सेक लेंगे और फ्लेम को आपको लो ही रखना है। तो सभी को हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही क्रिस्पी हमारे टाकोस बनकर रेडी होंगे। तो इनको हम एक सर्विंग प्लेट में रख लेते हैं और इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी टाकोस हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। और हमने इन्हें लो फ्लेम पर सेका है तो ये अंदर से भी बढ़िया सिके हैं और अंदर की जो चीज़ है वो भी बढ़िया मेल्ट हुई है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।